हेलो गाइस, वेलकम टू टॉप 7 न्यूज ऑफ द डे, जिसमें टीवी का तड़का आपके लिए लेके आता है टीवी शोज और सेलिब्रिटीज से जुड़ी दिन की 7 छोटी बड़ी खबरें। अगर आप इंडस्ट्री से जुड़ी रोजाना की 7 छोटी बड़ी खबरें जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज है 26 जनवरी, तो चलिए खबरें बताना शुरू करते हैं। टॉप 7 ऑफ द डे में से पहली टॉप न्यूज, निर्मल खावर खान और उस्मान मुख्तार ने शेयर की है अपनी साथ में एक पिक्चर। कहा है कि रियूनियन, हम वापस मिल गए, समथिंग इज कमिंग अप, कुछ नया आ रहा है, स्टे ट्यून, हमारे साथ जुड़े रहे। अब ऑडियंस इस बात के लिए बेहद एक्साइटेड है। क्या उस्मान मुख्तार और निर्मल खावर खान एक ड्रामा में नजर आने वाले हैं? टीवी का तड़का दूसरी टॉप न्यूज, पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने किया ऐलान, कल से मुल्क भर में एहतजाज करेंगे, जिस पर PMLN की सपोर्टर पाकिस्तानी एक्ट्रेस इफ़त उमर ने कहा, विल ही एवर स्टॉप? तो जिसके जवाबात में तमाम की तमाम ऑडियंस ने इफ़त उमर को खूब ट्रोल कर दिया है कि वो जो भी करें आपको इससे क्या। दिन की तीसरी बड़ी टॉप न्यूज, जहां फिरोज खान के अपनी वाइफ और पर्सनल लाइफ मैटर्स सॉल्व नहीं हो रहे, वहीं पर उन्होंने कर दिया था केस बाकी के तमाम एक्टर्स पर डिफेमिंग का। वहीं पर वो तमाम के तमाम एक्टर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन भी लीक हो गई, जिस पर वो सब के सब भड़क उठे और उन्होंने वापस फिरोज खान पर केस कर दिया। तो उसी पर CBI अरसलान नसीर, उन्होंने भी इस पर राय अपनी शेयर की है। उनका कहना है कि ये जो जंग सोशल मीडिया पर चल रही है, इसके चलते मैं खुद को भी एक लीगल नोटिस भेजना चाहता हूँ फॉर मेकिंग स्टूपिड डिसीजंस ऑल माई लाइफ, जो मैंने पूरी जिंदगी में बुरे फैसले लिए हैं। ये एक टोंट के लिहाज से ही है जो उन्होंने फिरोज खान को मारा है। उनका कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी पहली तो पर्सनल लाइफ मैटर्स सोल्व नहीं हो रहे, वहीं पर तुमने और भी लोगों पर केस कर दिया है। दिन पर छाने वाली चौथी टॉप न्यूज, सारा खान और उनकी बेटी आलियाना है, जो कि उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें वो अपने फादर फलक शबीर के इंस्ट्रूमेंट के साथ खेलते दिखाई दे रही हैं। वो तमाम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ खेल रही हैं, कभी गिटार तो कभी पियानो। ऑडियंस उनकी ये क्यूट सी वीडियो को बेहद पसंद कर रहे हैं। टीवी का तड़का पांचवी टॉप न्यूज, समी खान रिसेंटली खत्म हुए ड्रामा अलीज शाह के साथ तकदीर में नजर आए थे, पोस्ट शेयर की है जिसमे समी खान खुद, सबा फैसल, मदीहा इमाम और उनके साथ को स्टार्स नजर आ रही है। और उन्होंने उस फोटो के कैप्शन लिखा है, Here's to new project, looking forward to your duas and sport. Top 7 of the day में से छठी टॉप न्यूज, सभी ड्रामों को पीछे छोड़ के पहले नंबर पर आने वाला ड्रामा है यमुना जैदी और ज़ाविया नुमानी जाल स्टारर बख्तावर, एक आम सी लड़की की कहानी जो अपनी जिंदगी में बेहद मुश्किलात दिखती है। अब उसने कवर कर लिया है खुद को एक लड़के के रूप में। बख्तावर से बनी बख्तों की जिंदगी में अभी भी मुश्किलात खत्म नहीं हुई है और वो अपनी जिंदगी की मुश्किलात का सामना कर रही है और लोग उसकी कहानी में बेहद इंटरेस्टेड है। सातवीं और आखिरी टॉप न्यूज, क्या आपको पता है कि ड्रामा सीरियल तेरे बिन में मुर्तसिम की केमिस्ट्री किसके साथ सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है? पहले नंबर पर है मीरब और जो आखिरी वाली है वो तो कमाल है। दूसरे नंबर पर है हया, अब हमें देखना होगा तीसरे नंबर पे क्या है। तीसरे नंबर पर है उनकी शॉल, जो कि ड्रामे के रिसेंट ट्रैक में दिखाया गया है, वो भाग रहे हैं, उनकी शॉल उड़ रही है। ऑडियंस ने ये सीन बेहद पसंद किया है। आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये थी आज की 7 छोटी बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह रोजाना की 7 छोटी बड़ी खबरें जानना चाहते हैं तो वीडियो को कर दें लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टीवी का तड़का।